अनिराकरणमेऽस्तु तदात्मनि निरतेयोपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादराय सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। छांदोग्य उपनिषद के तृतीय अध्याय का द्वादश खंड प्रारंभ हो रहा है। अतिश फल वाली ब्रह्म विद्या का आरंभ हो रहा है गायत्री के द्वारा। टीकाकार लिखते हैं भाष्य के और अवतरण के रूप से, गतेना ग्रंथेना उत्तर ग्रंथस्य गतार्थत्वं परिहरति यत। बोलते हैं ये जो उत्तर ग्रंथ है, आगामी ग्रंथ है द्वादश खंड, ये उत्तर ग्रंथ हुआ। ये उत्तर ग्रंथ का जो प्रतिपाद्य रूपी जो अर्थ है वो हो गया गत। गत का अर्थ ज्ञात, ज्ञात अर्थ यस्य सह गतार्थ, मतलब ज्ञातार्थ हुआ, मतलब जो अर्थ पहले कह दिया गया है ना, किस ग्रंथ के द्वारा, गते ना मतलब पूर्व ग्रंथ से ये शंका हुई। मतलब उत्तर ग्रंथ में ज्ञात ज्ञापकत्व आएगा, तो ज्ञात ज्ञापकत्व जो आएगा तो अप्रामाण्य होगा फिर, है ना, अनारंभणीय है। ये है शंका, इसका परिहार करते हैं परिहरते भाष्य में। यत एवं अतिश फलैषा ब्रह्म विद्या, क्योंकि ये जो है ब्रह्म विद्या अतिश फल वाली है। अतिशयम फलम यस्य, अतः इसलिए ये जो ब्रह्म विद्या है अतिश फल वाली होने के कारण, मतलब मोक्ष रूपी फल को देने वाली होने के कारण, सा ब्रह्म विद्या प्रकारांतरणापि, पहले तो मधु विद्या को लेकर बताई, अब दूसरे प्रकार से प्रकारांतरणापि वक्तव्या कहनी चाहिए इति, इसलिए ये अगला मंत्र आएगा गायत्री वाव इदम सर्वम इत्यादि आरभ्यते। अच्छा, अब कहते हैं थोड़ी टीका इसके ऊपर, भावार्थ है सवित्री द्वारक ब्रह्म विद्यानंतरम। पहले जो ब्रह्म विद्या हुई ना, वो द्वार क्या हुआ, सविता आदित्य को लेकर बताइए, तो सवित्र द्वारक ब्रह्म विद्यानंतरम। अब कहते हैं तद्देवताक गायत्री द्वारणा, उस देवता वाले जो गायत्री छंद है, आदित्य देवता को जो गायत्री है, गायत्री के द्वारा तद विद्या, तत् से कौन है, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या की उपदेश की जा रही है, की जाती है, ये तात्पर्य हुआ। अच्छा, अब कहते हैं मैं गायत्री के द्वारा क्यों कह रहे हो, तो अन्य के द्वारा कह लो, ब्रह्म विद्याया विवक्षितत्व, उत्तर ग्रंथ का विवक्षित हो गई ब्रह्म विद्या,
ब्रह्मविद्याया विवक्षितत्वे वक्तुमिच्छा विवक्षा तस्य विषय विवक्षित। इसलिए ब्रह्मैव उपदिश्यताम है, ब्रह्म विद्या का विषय तो ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्म का ही उपदेश करो ना। ब्रह्मैव उपदिश्यताम किम गायत्री उपदेश है ना, गायत्री का उपदेश क्यों करते हो, सीधे ब्रह्म का उपदेश करो, ये कहने का ही प्रयास। किसी को निमित्त क्यों बना रहे हो, उपाधि के द्वारा क्यों कह रहे हो, विशेष के द्वारा, गायत्री है मंत्र चंद्र। तब कहते हैं गायत्री द्वारेणा च उच्चते ब्रह्मा, गायत्री के द्वारा यहां पर ब्रह्म का उपदेश किया जा रहा है। अच्छा क्यों, सीधे ब्रह्म का उपदेश क्यों नहीं करते हैं, बोलते हैं ब्रह्म तो निर्विशेष है ना, समस्त विशेष रहित है वो, इसलिए कह रहे ब्रह्मण सर्व विशेष रहितस्य, समस्त विशेष से रहित ब्रह्म। इसीलिए ज्ञान कैसे होगा फिर उसका, मतलब निषेध वाक्य से होगा, नेति नेति इत्यादि विशेष प्रतिषेध, ये प्रतिषेध होगा वाक्य, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है। और ब्रह्म का जब निषेध कर देंगे, अनात्मा का जब निषेध कर देंगे, तो आत्मा शेष रहता है, ये प्रक्रिया इसको कहते निषेध मुख। और जहां पर विधि मुख से करते वो लक्षण वृत्ति से करते, सत्यम ज्ञानम अनंतम, इस प्रकार ये निषेध मुख है। अभाव रूप धर्म पुरस्कारेण वस्तु प्रतिपादनम निषेध मुखम, ये निषेध मुख आ गया मांडुक्य उपनिषद की आनंद गिरी टीका में। अभाव रूप धर्म पुरस्कारेण वस्तु प्रतिपादनम निषेध मुखम है ना, और भाव रूप धर्म पुरस्कारेण वस्तु प्रतिपादनम विधि मुखम, ये विधि मुख होता है। तो ये निषेध मुख है, नेति नेति इत्यादि विशेष प्रतिषेध, जितने भी विशेष है ना उसका प्रतिषेध कर दिया, ऐसा प्रतिषेध के द्वारा जो गम्य हो, गम्य का अर्थ विषय, गम्यस्य मतलब जानने योग्य, इसलिए बहुत कठिन है इसको ज्ञान प्राप्त करना। दुर्बोधत्वा, दुर्बोध होने से गायत्री के द्वारा इसका उपदेश किया जा रहा है। अच्छा अब कहते हैं भाई छंद तो बहुत सारे हैं ना, तो गायत्री छंद के द्वारा क्यों कहते हैं, अब देखो इटिका का लिखते हैं, तथापि छंदोंतराणी विहाय, गायत्री से अतिरिक्त तो बहुत सारे छंद हैं, तो दूसरे छंद को छोड़कर किमिति गायत्री द्वारा एव ब्रह्म उपदिश्यते, गायत्री छंद के द्वारा ही ब्रह्म का उपदेश क्यों करते हो, बाकी छंद में से तो हो सकता है। तत्राह सत्सु, देखो गायत्री की बड़ी प्रधानता है, इसलिए गायत्री यहाँ पर ग्रहण करते हैं उपदेश के लिए ब्रह्म का। सत्सु अनेकेशु है, अनेक छंद है, छंदसु छंदसु, ये देखो विसर्ग, विसर्ग भी होता है सकार भी होता है, छंदस शब्द होता है सकारांत, सप्तमी बहुवचन में छंदसु होगा, छंदसु होता है बासरी विकल्प से होता है सकार, इसलिए छंदसु। गायत्र्या एव ब्रह्म ज्ञान द्वारा तया उपादानम प्राधान्या, इसलिए ब्रह्म ज्ञान का द्वार हो गया, साधन हो गया गायत्री छंद, इसलिए ब्रह्म ज्ञान द्वार तया मतलब ब्रह्म ज्ञान का उपाय है ये, है ना, उपाय के रूप से ग्रहण किया गया है, इसलिए प्राधान्यात गायत्री छंद में प्रधानता है। ये यहाँ पर लिखते हैं, देखो ब्रह्म ज्ञान द्वारा तया तत् क्या लिखा यहाँ पर, हाँ उपाय तया ये पाठ ठीक है, इसमें दिया है उपादय तया, वो ठीक नहीं, उपाय तया वो पाठ ठीक है, नहीं पूछते मैं ठीक, तत् उपाय तया ये पाठ है। मतलब ब्रह्म ज्ञान का उपाय हो गया गायत्री, हाँ
कहाँ पर? हाँ हाँ जी, अवग्रह कर दीजिए। हाँ ठीक है, चंदनतराणी हो जाएगा क्या है, है ना? वो तो अवग्रह तो पहचान के लिए होता है, अवग्रह कोई बनना नहीं होता, देने से भी होता है, नहीं देने से, देने से और थोड़ा स्पष्ट होता है ऐसा, भ्रम भ्रम नहीं होता है ऐसा। ब्रह्म ज्ञानंदारतया तत् उपायतया इत्यर्थ। प्राधान्य हेतु, भाई गायत्री में प्रधानता क्यों, इसमें क्या हेतु है? देखो ये कथा है पुराण आदि में, जो ये उपनिषद में भी है, ऐतरिक ब्राह्मण में ये कथा आती है गायत्री की प्रधानता को लेकर, इसको कह रहे हैं भाष्यकार। देखिए सोमाहरणात्, एक हो गया सोम का आहरण किया गायत्री ने, और इतर छंदो अक्षर आहरणे न इतर छंदो व्याप्त्या च सर्व सवन व्यापकत्वाच यज्ञे प्राधान्यम गायत्र्याः। ये देखो बहुत सारे हेतु दे रहे हैं गायत्री में प्रधानता में हेतु, तो कह दिया सोम का आहरण किया, बाकी छंद नहीं आहरण कर पाए लेकिन गायत्री जाकर के सोम का आहरण कर दिया। और बाकी छंद भी गए थे लेकिन जो है वो नहीं ले पाए, और कुछ अक्षर को छोड़ करके आगे बाकी छंद है ना, इसलिए वो गायत्री बाद में गई तो वो छंद अक्षर को भी लेकर आ गया। ये बोलते हैं छंद अक्षर आहरण ना इतर छंदो व्याप्ता च, इसलिए क्या हुआ बाकी छंदों में गायत्री की व्यापकता है, गायत्री की व्यापकता सभी छंदों में गायत्री का संबंध है, ये टीकाकर से बताएंगे। और क्या कहते हैं सर्व सवन व्यापकत्वाच, प्रातः सवन है, मध्यान्ह है ना, फिर अपराह्न है, ये जो तीन व्यापक हो ये सवन बोलते हैं, प्रातः सवन मध्य क्या बोलते हैं मध्यान्ह मध्यान्ह और सायं, ये तीन सवन मतलब यज्ञ, ये तीन यज्ञ में ये है गायत्री व्यापक है, गायत्री के द्वारा ही सब करते हैं, बताएंगे देखो। इसलिए यज्ञ प्राधान्यम गायत्र्याः, यज्ञ में जो अंग होते हैं ना सभी अंगों में गायत्री की प्रधानता है। अच्छा ये जो कथा हुई ना भाष्य में दिया, इसके स्पष्टीकरण दिया है सब। सोमस्य आहरणम मतलब आना जाना, सोम को लाना, सोम को लाया। हाजी सोम रस है ना, हाँ सोम रस देवताओं के लिए, देवताओं ने भेजा तो गायत्री जी कर ला लेकर आ गया। अच्छा तत्र साधनत्वम, इसलिए वो साधन है गायत्री, ये जागिंग लोग जानते हैं परंपरा से, ये बोलते हैं देखो साधनत्वम गायत्री छंदस्का नाम ऋचाम जाज्ञ ही इष्यते, इसलिए सोम आहरण के लिए गायत्री साधन बनता है, ये जो है चाहते हैं कौन जाके ही यज्ञ करने वाले, गायत्री छंदस्का नाम ऋचाम, ये देखो लिखते हैं गायत्री छंदस्का नाम ऋचा, ऋचा है मंत्र श्लोक, वो छंद क्या है गायत्री, है ना, गायत्री छंद वाले मंत्र का यहाँ पर वो साधन है सोम आहरण के लिए, जाजके ही इच्छते, जाजक लोग चाहते हैं ऐसा जानते हैं, इसो इच्छायाम। अच्छा तद्युक्तम, इसलिए क्या हुआ तस्याः यज्ञ प्राधान्यम इत्यर्थ, इसलिए जो है यज्ञ में प्राधान्यम तस्याः मतलब गायत्र्या, गायत्री में यज्ञ की प्रधानता है, ये युक्त है। अच्छा और कहते हैं यदवा, ए दो को लेके यहाँ पर देवे ही सोमाहरणम,
देवताओं के लिए सोम का आहरण है ना, तो देवताओं ने भेजा ना छंद को, भाई जाकर ले आओ सोम। अजी भाई उसके भी शक्ति हो तो वहां पर से ले आया क्या बलपुर बाबा? चुरा कर तो नहीं लाया, ऐसा तो नहीं लिखा है। बल है गायत्री में, भगवान का दिया हुआ बल है, ऐसा है और क्या है। लाया है? नहीं हरण कहाँ बोल रहे हैं यहाँ पर, सोम आहरण बोल रहे हैं। अब हरण समझ रहे हैं? नहीं 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 नहीं, आंग समन्तात, आंग उपसर्ग लगा दिया ना, आहरण मतलब लाना। अब हरण समझ रहे हैं? हरण नहीं यहाँ पर, इसलिए लिख दिया ना वो टीका में, देखो सोमस्य आहरणम आनायनम पहले लिखा है ना, देखो। तो इच्छत भी ही देवता लोगों ने इच्छा किया ना सोम लाने की, इसलिए छंदसाम छंद को भेजा। देखो गायत्री त्रिष्टुप जगती नाम, गायत्री छंद त्रिष्टुप छंद और क्या है, जगती छंद है। अच्छा तादर्थ ना नियोगे, सोम आहरण के लिए उनको नियोग किए, नियोग करने पर ये तो असमर्थ हो गए, जगती छंद और त्रिष्टुप छंद है ना, ये बोलते हैं। जगत्री त्रिष्टुभोर मध्य मार्गम अशक्त्या, मध्य मार्गम अशक्त्या निवृत्तौ गायत्री सोमं प्राप्य रक्षण तस्य विजित्य तम देवेभ्य समाहरत इति ऐतरेयक ब्राह्मण सोमो वै राजा अमुष्मिन् लोक आसीत् इत्यत्र प्रसिद्धम अतः तत् प्राधान्यम इत्यर्थ। देखो छंद को भेजे ना, दोनों तो असमर्थ हो गए मार्ग में, कुछ प्रतिबंधक आ गया, तो जगती त्रिष्टुभो हो, जगती छंद और त्रिष्टुभ छंद मध्य मार्गम, मार्गयो मध्यम इति मध्य मार्गम, ऐसे समास होता है, ऐसा होता है ना। हाँ ये सामासिक है, ये ध्यान रखना, मध्य मार्गम ये अलग अलग पद नहीं है, एक ही पद, एक ही पद है। अलुक है, अलुक मार्गस्य मध्य, मार्गस्य मध्य ऐसा करना है, मार्गस्य मध्य है ना, तो मार्गस्य मध्य ऐसा विग्रह करो तो समास करने पर हो जाएगा मध्य मार्ग, अव्यभाव समास होता है, अव्यभाव समास है ये, ऐसा है। पारे मध्य षष्ठ्या वा, पारे मध्य षष्ठ, ये सिद्धांत कुमुदी में है, ये लघु सिद्धांत में नहीं है। अव्यभाव लघु सिद्धांत कुमुदी एकदम संक्षेप कर दिया, संक्षेप किया तो बहुत ही संक्षेप कर दिया समास को, जहां नहीं करना चाहिए उसको विस्तार किया है, ऐसा है ना। जैसे तद्धित वगैरह है वो तो बहुत सारे विस्तार कर दिया है, तद्धित है उसका उतना प्रयोग नहीं है, तद्धित का है ज्यादा प्रयोग, व्याकरण में समास का है और क्या है कारक। और थोड़ा बहुत तो आप विभक्ति का थोड़ा देख लें तो अपने आप आ जाते धीरे धीरे, ऐसे 8-10 शब्द याद करेंगे तो वही आता रहता है हमेशा विभक्ति में, है ना। लेकिन विभक्ति का प्रयोग कैसे करना है, किस अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, कारक प्रकरण, उसका ज्यादा महत्व है और समास का ज्यादा महत्व है। दोनों कम कर दिया है लघु सिद्धांत कुमुदी में है ना। तो ऐसे से शब्द युष्मद अश्वमद, देखो कितने सूत्र दिए है युष्मद अश्वमद, उस सूत्र का कोई प्रयोग ही नहीं है, उसी में तो प्रयोग होता है, इसलिए उसका रूप याद कर लो बात खत्म। वहाँ सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है लघु में, इसलिए जिसको करना चाहिए था उसको थोड़ा सा कम कर दिया, ये समास बहुत ज़्यादा मुख्य होता है। तो ये मध्य मार्गम, ये अलग अलग पद नहीं समझना है, मार्गस्य मध्ये इति मध्य मार्गम ऐसा है। और वैभाव समास, इसलिए तो नपुंसक हो गया, देखो
मध्य मार्गम। अशक्त्या ओ दोनों असमर्थ हो करके निवृत्त हो, हट गए हो अपने कार्य से। फिर गायत्री फिर गई, गायत्री सोमम प्राप्य, गायत्री सोम को ले आया। और रक्षिणा जो रक्षा कर रहे थे ना सोम के, उनको जीत लिया हो, परास्त कर दिया हो। तस्य विजित्य जीत करके तम देव्य समाहरत, उस सोम को ला करके देवताओं को दिया। ये कहाँ पर है, कहाँ से कथा नहीं कथा सुना रहे हो? बोलते हैं ऐतरेक ब्राह्मण है, ऐतरेक ब्राह्मण वेद में है ये। और ये स्तुति भी की गई सोम को राजा शब्द से, सोमो वही राजा अम इसमें लोके, ये राजा है सबसे ये उत्कृष्ट है ये सोम। और क्या ऐसा है। और महात्मा को देखो, अरे महात्मा जहाँ पर कोई जो है ना दूध बोरा कभी मिलता नहीं है, वहाँ पर चाय भी मिल गए तो बहुत है। चाय भी क्या होगा, अमृत हो गए है ना। हम लोग पढ़ते तो चाय भी नहीं मिलती थी, तो हम लोग खुद बना कर पीना पड़ता था। है कि नहीं? इसलिए कोई बोलेगा हमारे चाय पीते हो, अरे चाय बोलते हो, ये चाय हमारे लिए क्या है, अमृत है। और क्या देवताओं के लिए क्या, ये सोम तो राजा ही है अश्विन लोग के आशित, ऐसा स्तुति कर दिया सोम की। इत्यत्र प्रसिद्धम, अतः प्रसिद्ध कहाँ पर, वेद में। अतः तत् प्राधान्यम, ऐसे सोम को लाया तो प्रधानता ही गायत्री में, इसलिए तत् प्राधान्यम तसे ले जाएंगे गायत्री छंद, गायत्री छंदसी प्राधान्यम। तत्रैव हेत्वान्तरम, उसकी प्रधानता के विषय में और एक हेतु है। क्या कहा, वहां पर इतर छंदो व्याप्त्या, बाकी छंदों में गायत्री की व्याप्ति, व्याप्ति में संबंध है, व्यापकता है। ये लिखें देखो, उसने एक अनुष्टु प्रवृत्ति नाम इतराणी छंदान से तेषां पादसो अक्षराणी सप्ताष्टादि संख्यकानी तेषां आहरणम आपादनम। देखो ये उष्णिक थे ना, उष्णिक है, अनुष्टुप है, ये सब छंद गए थे ना सब, उष्टिक अनुष्टुप प्रवृत्ति ने इतराणी छंदान से तेषां पादों से अक्षराणी, और पादों में अक्षर होता ना, नियत अक्षर होता है पादों में, कहीं सात है कहीं आठ है, अनुष्टु में जैसे आठ है कि नहीं, उष्टिक में सात है, कहीं बारह जयाति क्या जगति छंद वगैरह सब सब अलग अलग अक्षर होते हैं है ना। तेषां आहरणम, अरे वो कुछ अक्षर को छोड़कर गाए थे ना, उसको भी लेकर आ गया गायत्री। तेषां आहरणम, आहरणम का अर्थ आपादनम। गायत्री अक्षरे ही पादशः षड्भिः क्रियते, गायत्री में एक पाद में छः छः है ना, षड्भिः क्रियते ऐसा है। अधिक संख्याया न्यून संख्या मंत्रणा समभाव, अरे वे न्यून संख्या जो है ना, अधिक संख्या, अधिक संख्या न्यून संख्या के बिना तो रह नहीं सकता, तो न्यून संख्या अधिक संख्या में क्या होता है, अंतर्भुक्त होता है। तस्मात इसलिए जो है इतरेश छंदसु, अन्य छंद में भी गायत्री की व्याप्ति है, मतलब संबंध है ना, इसलिए प्राधान्यम गायत्री में प्रधानता है। अथवा ऐसा भी समझ लो, टीकाकार लिखते हैं, गायत्री व्यतिरिक्त जो हो, गायत्री से जो अतिरिक्त छंद है त्रिष्टुप जगति छंदसो, त्रिष्टुप छंद और जगति छंद है। सोम आहरण उद्यतन उद्यत यो हो, सोम आहरण के लिए उद्यतन हुए थे, उद्यत हुए थे, अतो असमर्थ हो गए, अशक्तयो हो मार्ग मध्य, तो मार्ग के मध्य में ऐसा है। यहाँ पर ये तो मार्गस्य मध्य, देखो यहाँ पर ऐसा लिखा आपके वहाँ, मार्गस्य मध्य ये अलग है, और पहले क्या था, हाँ विकल्प से होता है ना, विकल्प से होता है षष्ठी, इसलिए मार्गस्य मध्ये मध्य मार्गम, दूसरा क्या होगा मार्ग मध्यम, दो हो जाएगा,
पकड़ में आया? हाँ, दोनों का समास अलग अलग है ऐसा है, दोनों में समास है, मध्य मार्गम ये भी समास है और इधर मार्ग मध्य ये भी समास है, दोनों समास होते हैं। और ओ है अलुक समास है, वहां पर मध्य मार्गम है ना, मध्य का ए वहां पर गी था कि नहीं, गी था वहां पर, हाँ वहां पर गी का क्या, हाँ अलुक हो गया, लुक नहीं हुआ वहां पर, ऐसा है। जगत्या त्यक्तानी जो है, जगत्या त्यक्तानी, जगत ही छंद है ना, वो कुछ अक्षर को छोड़कर आ गया था। जगत्या त्यक्तानी त्रिणी अक्षराणी त्रिष्टुभातो एक अक्षरम, है ना, वो जगति छंद जो है ना तीन अक्षर को छोड़कर आ गया, और त्रिष्टुभ जो है ना एक अक्षर को छोड़कर आ गया था ततश्च इसलिए क्या हो गया, अष्टाचत्वारिंशत अक्षरा जगति, जगति छंद में जो है ना कितने अक्षर होते हैं, अष्टाचत्वारिंशत कहने से 48 हो गया, 12 12 12 12 ऐसे 12 × 4 48 हो जाएगा, एक एक पाद में 8 8 हो, ये 12 12 हो जाएगा ना, 12 × 4 48 है ना, और तीन छोड़कर आ गया ना तो कितना रहा, पंच चत्वारिंशत अक्षरा समृत्ता, ओ 45 अक्षर से युक्त थी वो, ऐसा और चतुश्चत्वारिंशत अक्षरा त्रिष्टुप, ये त्रिष्टुप है त्रिष्टुप, और त्रिष्टुप अक्षर में त्रिष्टुप छंद में कितने, चतुश्चत्वारिंशत मतलब 44 हो गया, 11 11 × 4 त्रि चत्वारिंशत अक्षरा समृता, एक छोड़ दिया ना तो 43 हो गया, और सोम जब गई, सोम भी ला, ये गायत्री जब गई सोम के भी लाया और अक्षर को भी लेकर आ गया ये कथा आती है, तत्र गायत्री सोमाम आहरंती, सोम को लाती हुई जो गायत्री है, त्यक्तानाम अक्षराणाम आहरणना, छोड़ी हुई अर्थ अक्षर को ले आकर पूर्णताम, वो पूर्ण कर दिया, तयोह तयोह दो छंद को पूर्ण किया, पूर्ण पूर्णताम तयोर आपाद्य, ये ते व्याप्य स्थिता, ये दो छंदों में गायत्री व्याप्त है, इसलिए तेना तत्प्राधान्यम, इसलिए गायत्री छंद में प्रधानता है, और उसी प्रधानता के विषय में तत्रैव हेत्यंतरम, और एक हेतु है, देखो ये सब भाष्य का स्पष्टीकरण है, इसलिए सर्व सवने न कहा, ये तीन सवन में यज्ञ होता है उसमें गायत्री की व्यापकता होती है ऐसा है, इसलिए संध्या वंदन करके ही सब यज्ञ करते हैं, आजकल संध्या वंदन करते नहीं है पंडित लोग कोई कर्म का फल कहाँ मिलेगा जजमान को ठीक से, है ना, इसलिए संध्या वंदन पूर्वक ही सब यज्ञ किया जाता है, तीन संध्या त्रिसंध्या बोलते ना, ऐसा है, इसलिए गायत्री की बड़ी भूमिका है। अच्छा भाई, सर्वाणी प्रात सवनम, देखो लिखे यहाँ पर, सर्वाणी प्रात सवनम, प्रात काल में है, माध्यम दिनम सवनम, तृतीय सवनम, इति एतानी तेषु गायत्रः व्यापकतम, क्यों गायत्री पूर्वक होता है ना सब, इसलिए गायत्री की व्यापकता हुई, इसलिए मिश्रणम, देखो गायत्री का मिश्रण सर्वत्र है तीनों में, तीनों काल में, इसलिए गायत्रम प्रात सवनम, त्रेष्टम माध्यम दिनम सवनम, जागतम तृतीय सवनम, इति स्थिते अपि, देखो यद्यपि ऐसा सिद्ध है, प्रातः सवन गायत्री से, माध्यंतन सवन त्रिष्टुप से, और तृतीय सवन क्या है जगति छंद से, ऐसा सिद्ध होने पर भी, स्थिते भी सिद्ध होने पर भी, त्रिष्टुप जगत्योर गायत्री व्याप्ते, ये देखो त्रिष्टुप में जगत छंद में गायत्री की व्याप्ति है ऐसा कहा गया, इसलिए तस्याश्च पादाभ्याम मुखेन च समाहरण द्वारेण सवनत्रय संबंधात,
अतश्च तस्यास्ति यज्ञे प्राधान्यम इत्यर्थ। ये जो पात से और मुख से गायत्री जो है ना, पात से और मुख से सोम का आहरण लिया, ये मुख से ठीक तो है लेकिन पात से भी है, ऐसी कथा है भी। पूरी कथा पढ़नी पड़ेगी तब पकड़ में आएगा। इसलिए पाद से भी लाया बोल रहे हैं टीकाकार, और मुख से भी, पादाभ्याम मुखेन च सोमाहरण द्वारेण सवनात्रय संबंधात, इसलिए तीनों सवन में गायत्री का संबंध है। इसलिए अतश्च तस्यास्ति यज्ञ प्राधान्यम, कर्मणि तत् प्राधान्य। और देखो कर्म में गायत्री की प्रधानता हुई, तत् से लीजिए गायत्री, कर्मणि तत् मतलब तस्या प्राधान्य भी, लेकिन कर्म में तो गायत्री की प्रधानता है ठीक है, लेकिन तो कर्म का प्रकरण नहीं है, ये तो विद्या का अभी आया। कुतो ब्रह्म विद्यायाम तत् प्राधान्यम, ब्रह्म विद्या में गायत्री की क्या प्रधानता हुई, ये शंका हुई। इति आशंका है, क्या बोलते हैं देखो भाष्यकर, गायत्री सारत्वाद ब्राह्मण से, देखो क्या लिखते हैं, ये ब्राह्मण का सार कौन है, गायत्री है। गायत्री के बिना ब्राह्मण तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कह रहे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं भाष्यकर, ब्राह्मण से गायत्री सार, कि गायत्री का सार ब्राह्मण, ऐसा नहीं। हाँ गायत्री है सार जिसके, बहुवरी समाज करना पड़ेगा, षष्ठी तत्पुरुष कर देंगे तो गायत्री का सार कौन हो जाएगा, ब्राह्मण। गायत्री है सारा में थे गायत्री सारम, ऐसा नहीं, यहाँ पर गायत्री ही सारम यस्य सह गायत्री सार तस्य भाव गायत्री सारत्तम, गायत्री सार वाला ब्राह्मण है, इसलिए तो मैं कह रहा था ना बहुवरी समास होना चाहिए, ये समास आप लोगों को पढ़ना चाहिए, समास का बहुत विनियोग होता है ऐसा, नहीं तो अर्थ के अनर्थ हो जाएगा, अर्थ को अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ को अर्थ समझ लोगे, कभी कभी ऐसा हो जाएगा। हाँ ऐसा रहता है, इसलिए समास का बहुत प्रयोग होता है। ब्रह्मसूत्र पढ़ोगे सीधे ही समास बताएंगे, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, ब्राह्मण जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, भाष्यकर बताएंगे, है ना, इसलिए समास का ज्ञान होना चाहिए। गायत्री सार है ब्राह्मण के। मातरम एव हित्वा, जैसे दृष्टांत दे रहे हैं देखो, गुरुतराम गायत्रीम ततो अन्यत गुरुतरम न प्रतिपद्यते यथोक्तम ब्रह्मायति ब्रह्मापीति। जैसे संतान के लिए सबसे गुरु कौन है, सबसे महान माता है, और क्या है, माता से बड़े कुछ नहीं है। माता ही उनके लिए सब कुछ है, इसलिए क्या है, मातर माता जैसे संतान के लिए है उसे छोड़कर नहीं, इसी प्रकार से गुरुताराम गायत्री सबसे गुरु है गायत्री, ततो अन्यत गुरुतराम उसे कोई गुरु हो श्रेष्ठ हो ना प्रतिबद्धते, ऐसा कोई प्राप्त नहीं होता है शास्त्र में, इसलिए कहा यथोक्तम ब्रह्मा अभी, इसलिए गायत्री को ब्रह्मा अभी कहेंगे ना, देखो गायत्री ब्रह्मा है कहा जाएगा। थोड़ी टीका भी दिया इसके ऊपर, ब्रह्म विद्यायाम तत्प्राधान्यम इति शेष, इतना अध्ययन कर लीजिए, ब्रह्म विद्या में गायत्री की प्रधानता है। गायत्री में आलंबनत्वेन प्रतिपद्यते ब्रह्म इत्यर्थ, देखो गायत्री के आलंबन से ब्रह्म का उपदेश किया जाता है ना, ज्ञान भी होता है, इसलिए गायत्री को ब्रह्म कहते हैं, ये लिखना ब्रह्मा पे। इत्यत्र लोक प्रसिद्धम, ये लोक में ही प्रसिद्ध है, प्रसिद्धि है, इसको अनुकूलतया दिखाते हैं। तस्याम तस्याम अत्यंत गौरवस्य प्रसिद्धत्वा, ये गायत्री में अत्यंत गौरव, गौरव बोलते हैं गुरुर भावयति गौरवम, भाव अर्थ में होता है, गुरुत्व कहो और गौरव कहो, अतः गुरुता कहिए, गुरुता गौरव और गुरुत्व, ये तीन शब्द पर जा हो, गौरव गुरुत्व गुरुता, इसलिए अत्यंत गुरुत्व है गायत्री में, प्रसिद्ध है ये।
ऐसा। इसलिए तुरंत लोग पूछते हैं, कोई शिष्य आएगा ब्रह्मचारी हो आचार्य के पास, तो तुरंत पूछते हैं कि जो गायत्री का जप करते हो, सिखा तो है, सूत्र तो है, हाँ लेकिन जप करते हो, इस तुरंत पूछते हो। ऐसा हम थे ना काशी में, पहले आपको सुनाया था ना, हम काशी में जो थे वो मेरे रहते समय एक ब्रह्मचारी आते थे। अब ब्रह्मचारी की आयु थी कम से कम 60-70 साल थी वो मैं जहाँ पर रहता था वो वहाँ पर पहले विद्यार्थी थे वो, तो वो कभी कभी मेरे पास आकर बोलते थे, हम जहाँ जिस समय यहाँ पर थे तो वहाँ पर क्या था, मैं पूछता था अब बहुत पुराने हैं तो कैसा माहौल था, तो वो बोलते थे कभी कभी। हाँ उनका नियम था आश्रम का, हाँ कोई भी हो, ब्रह्मचारी हो, महात्मा हो, जो उनको मंत्र मिला है, ऐसे नहीं गायत्री हो, सन्यासी हो तो गायत्री करेगा नहीं, हो ओंकार करेगा जो भी है, मतलब जो कोई भी रहता है आश्रम में, तो उनको नियम बनाए थे एक माला जरूर जप करना है, नहीं तो रक्त नहीं थे, हो रक्त नहीं थे, बड़ा नियम करता हूँ। लेकिन आजकल बोलेंगे तो कोई हमारी बात यकीन नहीं करेगा, ऐसा बोलते थे वो। क्योंकि समय इतना जो है चल रहा है, रजोगुण प्रबल हो रहा है, चलिए। अच्छा भाई, उनका कहना क्या ना, प्रत्यवाय लगता है, मंत्र लिए हो, मंत्र यदि जप नहीं करते हो तो प्रत्यवाय तो लगेगा। हाँ जिसका 24 घंटा ब्रह्माकार वृत्ति हो रही तो अलग बात है, हाँ वो तो उत्तम साधक हो गया है ना, नहीं तो प्रत्यवाय तो लगता है। नहीं गायत्री नहीं, उनके लिए कहा ना मैं ओमकार, उसका जप करना है आपको, नहीं तो आपको भी लगेगा, तो ऐसा होता है। तस्याम अत्यंत गौरवस्य प्रसिद्धत्वात्, ये अच्छा टीका है थोड़ी सी लो। गायत्र्याः ब्रह्मज्ञानाद्वारत्वेन उपादानम् उक्त हेतुभ्यः सिद्धम् उपसंगरति इति उपसंगरति। इसलिए क्या हुआ, ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति का द्वार हो गया गायत्री, है ना, इसलिए इसका ग्रहण किया गया उपादानम्, अन्य छंद को ना करके गायत्री छंद को यहाँ पर ग्रहण किया गया, इसलिए सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध हो गया कि उक्त हेतुभ्यः, पहले हेतु सब बता दिए ना, 3-4 सब हेतु बता दिया था, सोम आहरण है ना, सभी छंदों में गायत्री की व्याप्ति है, यज्ञ में प्रधानता है गायत्री की, ये सब हेतु हो गया। उस उक्त हेतु से गायत्री का यहाँ पर ग्रहण करना युक्ति युक्त है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का द्वार है। इति उपसंग रहती, इस अभिप्राय से उपसंहार करते हैं। अतः गायत्री, अतः मतलब क्या, पूर्व हेतु से, पूर्व हेतु के कारण गायत्री ब्रह्म ज्ञान का द्वार के रूप से उपादान है, ग्रहण है, इसलिए गायत्री मुख्य नैव ब्रह्म उच्यते, गायत्री छंद के द्वारा ही ब्रह्म का यहाँ पर उपदेश किया जाता है। थोड़ी सी हम लोग अवतरण में लें टीका। तथा चेतोर्पण निगदादि न्यायना, निगदात इति न्यायना गायत्री उपाधिकम ब्रह्मो उपास्यम इति प्रतिजानिते गायत्री इति। देखो तथा कहने से क्या हुआ, ये देखो टीका में दिया है, एक सूत्र है ब्रह्म सूत्र का, छंदो विधानादनेति चेत न तथा चेतोर्पण निगदा तथा ये दर्शनम। ये प्रथम अध्याय का है, ये ज्योतिष अधिकरण होता है, जो द्विलोक के ऊपर जो ज्योति है वो ज्योति कौन है, ये विचार आया ज्योतिष चरणाविधानात वहाँ पर। तो पूर्व पक्षी कह अरे भी आदित्य ज्योति, और क्या द्विलोक के ऊपर आदित्य ज्योति है, आदित्य ज्योति वहाँ पर ज्योति शब्द से ग्रहण किया, वही उपास्य है ना। और सिद्धांत बोलता नहीं वो परमात्मा है, हाँ वो ज्योति प्रकाश है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो इसलिए ज्योति शब्द से
परमात्मा को कहा गया, ठीक है ना। और वो परमात्मा का उपदेश गायत्री छंद में भी कहा गया है, ये सिद्धांत ही बोलेगा, ठीक है। तब इसके ऊपर पूर्व पक्ष आया, ये दिया टीका में छंदो अभिधान। अरे भाई गायत्री तो कोई छंद है, गायत्री कोई ब्रह्म थोड़ी है, गायत्री तो छंद है, तो गायत्री में कहां पर ब्रह्म है। तो ये पूर्व पक्ष कहता है छंदो विधान गायत्री शब्द से, देखो इसी को लेकर के, इसी मंत्र को लेकर ब्रह्म सूत्र में आएगा गायत्री वाव इदम सर्व। इसलिए छांदो यदि ठीक से पढ़े ना तो उनको तो ब्रह्म सूत्र ठीक समझ में आएगा नहीं तो क्या समझ में आएगा बताओ। छंदो विधान छंद मतलब गायत्री छंद, गायत्री से गायत्री छंद का कथन किया गया, ये पूर्व पक्ष है, ब्रह्म नहीं। इसलिए ना ना कहने से ब्रह्म नहीं, यदि चेत इसका उत्तर ना, गायत्री के द्वारा गायत्री छंद में कोई तात्पर्य नहीं, ब्रह्म में तात्पर्य है ना। इसलिए गायत्री के द्वारा ब्रह्म का उपदेश किया गया, इसलिए गायत्री से उपदिष्ट जो परब्रह्म है उसी में ही चित्त को अर्पण, चित्त को लगाने के लिए कहा गया, चेतो अर्पण निगदात मतलब कथनात् तथा ही दर्शनम, ऐसा ही वहां पर शास्त्र में है देखा गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं टीकाकार तथा चेतोर्पण निगदात इति न्याय न्यायमिल का ब्रह्म सूत्र। इसलिए गायत्री उपाधिकम, गायत्री उपाधि का जो ब्रह्म है वही यहाँ पर उपास्य है ना, कोई यहाँ पर छंद उपास्य नहीं है, मंत्र उपास्य नहीं है, परमात्मा उपास्य है इति प्रतिजानिते, अथवा कोई देवता भी नहीं, ना कोई देवता है ना कोई छंद है, यहाँ पर परमात्मा ब्रह्म ही उपास्य है इति प्रतिजानिते। इसकी प्रतिज्ञा करते हैं गायत्री वा इदं सर्वं भूतम् जदिदं किंच वाग्वै गायत्री बागवा इदं सर्वं बागवा इदं सर्वं भूतं गायति च त्रायते च। देखो बड़ा रहस्य मंत्र है, इदं सर्वं भूतं जितने भी प्राणी वर्ग है, मनुष्य हो देवता हो स्थावर जंगम जितने भी प्राणी वर्ग है, भूतम मतलब प्राणी वर्ग, सर्वम ये सब गायत्री है, सब गायत्री है। सब कैसे गायत्री होगा, ये तो प्रतिज्ञा वाक्य हुआ ना, इदम सर्वम भूतम गायत्री वा बागर्त वही गायत्री ही है, ये तो प्रतिज्ञा वाक्य हुआ क्यों सब गायत्री रूप है। देखो यद इदम किंच बाग वही, इले जो कुछ भी है ना वो शब्द रूप है, हाँ शब्द शब्द, ये केवल ये नहीं है इंद्रिय नहीं, यहाँ पर शब्द जितने भी अर्थ होते ना सब शब्द रूप है, अर्थ शब्द से भिन्न नहीं है, मांडव्य आदि में आप सुनते हैं ऐसा है। यदिदम किंच वागवई और गायत्री शब्द रूपी है, वागवई गायत्री है ना, बागवा इदम सर्वम भूतम, ये तो सब कुछ क्या है, सर्वम भूतम बागवई, सबको सारा पदार्थ क्या है, शब्द रूपी है और गायत्री शब्द रूप है, गायत्री के शब्द से भिन्न तो है ही नहीं। लेकिन गायत्री को गायत्री क्यों बोलते हो जैसे गंगा से ने कहा ना, जैसे गौ को गौ क्यों बोलते हैं, भैंस क्यों नहीं बोलते इसी प्रकार गायत्री को गायत्री क्यों बोलते हैं, क्या अभिप्राय, उसका निर्वचन कैसे होगा। देखो निर्वचन ये है, गायती च त्रायते च, दो कह रहे यहाँ पर है ना, गायत्री कह दिया ना, गई शब्दे है ना, बोलना अर्थ में गई होता है, गई शब्दे, जैसे गीता शब्द होता है ना, गीता गीयते थी गीता ऐसा है, तो ये हो गया। अत्रायते त्रेंग रक्षणे, एक धातु होता है त्रेंग रक्षणे है ना, त्रेंग रक्षण, तो त्रेंग रक्षण से होगा, देखो लड़ लगा रहे क्या बनेगा, त्रायते 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 त्रायंते बनेगा ना, त्रायते मतलब क्या, रक्षा करती है, हो गया ना। शब्द शब्द जो है ना सभी अर्थों को बोलता है शब्द, अरे अर्थों का ज्ञान कैसे होगा, शब्द से तो होगा, अयम घट अयम पट
इसलिए शब्द अर्थ का वाचक है, हो गया ना। और सबकी रक्षा शब्द करता है, और क्या सारे साधक की रक्षा गुरु करता है ना, कैसे करेगा, शब्द से तो करेगा, कैसे करेगा। हाँ, सर्वम खलु इदं ब्रह्म सर्वम मिथ्या सब मिथ्या है, तुम ब्रह्म हो, कोई भी उपदेश करो शब्द से तो करोगे। इसलिए शब्द ही सबकी रक्षा करता है, इसलिए कह दिया त्रायते, इसलिए गायती च त्रायते च, सारे अर्थ को शब्द बोलता है वाचकत्व ना अर्थ ज्ञान जनकत्व ना, और सबकी रक्षा करता है भय से अज्ञान से संसार से, ठीक है ना। इसलिए इसको गायत्री बोलते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य नमादः पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः, शंकरं शंकराचार्ये शरणं सूत्र भाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग भौमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।